हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं दोस्तों? मज़े में? फिट? फाइन? कूल? आपको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ आपके चौथे HTML 5 एंड CSS 3 ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल में हम ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट्स बनाना सीखेंगे। कोडिंग करने से पहले एक शेयर अर्ज करना चाहता हूँ। HTML देख लो, मिट गई दूरियाँ, हमारे पेजेस में कोड यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। वाह 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 वाह। तो शुरू करते हैं हम अपना template.html पेज जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाना सीखा था, उसको ओपन करते हैं। उसको फाइल सेव एस करके हम इसको फोर्थ के नाम से सेव कर देते हैं, क्योंकि हमारा फोर्थ HTML ट्यूटोरियल है। आपको बताता चलूँ कि हमारे ये जितने भी पेजेस हैं ये वेबसाइट पे बाकी डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ अवेलेबल हैं, जिसका लिंक नीचे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम एक जस्ट थोड़ी सी रिवीजन के साथ करते हुए हम कहते हैं कि माय फेवरेट फ्रूट्स की मैं लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ, जिसमें हम 1, 2, 3, 4 करके ऑर्डर लिस्ट में हम अपने फ्रूट्स के नाम लिख सकें। तो ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं वो है ol का, और उस टैग को बंद करने के लिए हम दोबारा से ol का टैग यूज़ करते हैं स्लैश के साथ। इसको मैं एक दफ़ा टैब प्रेस कर देता हूँ ताकि हमें बाद में पढ़ने में आसानी हो और फॉर्मेटिंग करने में आसानी हो और हमें समझ आ जाए कि हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं। तो ol टैग्स के अंदर हम लिस्ट आइटम्स बताते हैं, जिसका टैग है li, और इसका मतलब यह है कि हम ऑर्डर लिस्ट में नंबर 1 पे क्या देना चाह रहे हैं, नंबर 2 पे हमारा कौन सा लिस्ट आइटम होगा और नंबर 3 पे हमारा कौन सा लिस्ट आइटम होगा। सबसे पहले ऑरेंजेस मेरे फेवरेट हैं। नंबर 2 पे लेट सपोज हमारा एप्पल आ गया। नंबर 3 पे अगर मैं कोई स्पेलिंग्स मिस्टेक कर दूं तो कोई मसला नहीं है, बनाना, नॉट बुनियानी, बनाना। तो ये हम कहते हैं कि हमारे 3 फेवरेट फ्रूट्स हैं। इसको हम सेव करते हैं फाइल सेव पे जाके या फिर सेव के बटन से, और रन मेन्यू में जाके हम इसको रन करेंगे लॉन्च इन गूगल क्रोम। तो ये लॉन्च हुआ और ये देखें कि हमारे पास माय फेवरेट फ्रूट्स में एक ऑर्डर लिस्ट बन गई है, जिसमें पहला लिस्ट आइटम है ऑरेंजेस, दूसरा लिस्ट आइटम है एप्पल और तीसरा लिस्ट आइटम है बनाना। अब हम एक अनऑर्डर लिस्ट बनाना सीखते हैं, जिसमें हम अपने फेवरेट वेजिटेबल्स लिखेंगे। मुझे पता है कि हम में से बहुत से लोगों को वेजिटेबल्स पसंद नहीं, लेकिन जस्ट फॉर फन हम लिखते हैं माय फेवरेट वेजिटेबल्स। इसी तरह मैंने इस H1 टैग को क्लोज कर दिया। याद रखें कि आप जौन सा भी टैग ओपन करें उसको हमेशा क्लोज करें। मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ ताकि हमको ये नज़र आना शुरू हो जाए कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं। अब जिस तरह हमने ol का टैग यूज़ किया था अनऑर्डर लिस्ट के लिए, मैं एक टैब प्रेस करके ul लिखता हूँ और थोड़े नीचे जाके मैं अनऑर्डर लिस्ट को बंद कर देता हूँ। आपको ये टैब्स और फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यही रिपीट करना चाहूँगा कि ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। अच्छा जी, फेवरेट वेजिटेबल्स, मुश्किल सवाल, पोटैटोस तो हर किसी को पसंद है, क्योंकि उससे चिप्स बनते हैं। अच्छा जी, लेट सपोज भिंडी और
लेट सपोज हमें पसंद है टमाटर, टमैटोज, टमाटो, टमेटोज, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, पटाटोज, पटाटोज। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको हम चेक करते हैं अपने पेज में। तो ये देखेंगे, ये पहली एग्जांपल हमारे पास ऑर्डर लिस्ट की है और दूसरी एग्जांपल जो है वो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट की है। आपने एक चीज़ चेक की होगी कि जब मैं टाइटल नहीं लिखता तो टाइटल में हमारे पेज का नाम आ रहा होता है। तो लेट सपोज ऊपर जाके अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हम अपना टाइटल लिखें, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसको हम सेव कर लेते हैं। और अब मैं अगर जाके रिफ्रेश करूँ तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पे टाइटल क्या आता है, ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट। टाइटल्स जो हैं हमारे सर्च इंजन्स को की रेटिंग में बहुत मदद करते हैं, तो इसलिए हमेशा अच्छे टाइटल्स रखें। और इसके साथ ही दोस्तों हमारा ये ट्यूटोरियल नंबर 4 ख़त्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत बहुत थैंक्स कि आपने ये ट्यूटोरियल देखा। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो काइंडली वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस वीडियो को अगर आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें तो इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होगी। तो मिलते हैं 5वें ट्यूटोरियल में ब्रेक के बाद।